हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किचन और घर के काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो इन्हीं कामों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अपनी फर्स्ट टिप। तो फर्स्ट टिप ना इस तरह के नोट पैड को लेकर के है, जो स्टिकी नोट पैड होता है। कई बार क्या होता है कि ये हमारे घर में मौजूद होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें नहीं पता है होता है, या फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज मैं इसका इस्तेमाल बताऊँगी, और वो भी अपने किचन के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले इस तरह से स्टिकी नोटपैड ले लेंगे, और इसको चिपकाने के लिए हमने ले लिया है इस तरह से डबल टेप। आप डबल टेप को कट कर लीजिएगा और इसके पीछे अपना अच्छे से इसको स्टिक कर दीजिएगा। तो देखिए, हमने इसको स्टिक कर दिया है, और अब हमें इसका इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसको पहले चिपकाना है आपको अपने फ्रिज के ऊपर। जी हाँ, फ्रिज एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हमारी आते जाते निकलते बढ़ते हमेशा ही नज़र पड़ती है। तो इस तरह से चिपका देना है, और इसके बाद से इसका इस्तेमाल क्या करना है कि जब कभी भी आपके घर में चावल, आटा या फिर जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं ना, तो आप साथ के साथ ही मेंशन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आप चीज़ों को याद रखेंगे और आपकी चीज़ें स्किप नहीं होगी जब आप खरीदेंगे। तो आइए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ना इस तरह के हैंकी को लेकर के है। तो हैंकी हमारे पास पतली वाली नहीं थी, तो मैं आपको टिश्यू पेपर के साथ दिखा रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं हैंकी लेकर के जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हैंकी कई बार या फिर मतलब मैक्सिमम बार छूट जाती है। तो इस तरह से आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और इसी हैंकी में हम इसको इंसर्ट करेंगे, और इसके बाद से अपने कड़े या तो चूड़ी जो भी पहनती हैं उसके अंदर आप इसको फंसा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो हैंकी है वो आपके हाथों में ही रहेगी, इधर उधर गुम नहीं होगी, और जब कभी भी आपको इसका इस्तेमाल करना होगा आप करिए और फिर ऐसे ही फंसा दीजिए उसमें, जिससे आपकी जो हैंकी गुम होने की समस्या है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो टिप कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ना इस तरह के फोल्ड को लेकर के, क्लॉथ्स फोल्डिंग को लेकर के है, कि इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने बताया था आपको फोल्ड करने का तरीका। तो टी शर्ट फोल्ड करने का तरीका मैं बताऊंगी आपको। कई बार होता है ना कि बहुत बड़ी सरदर्दी लगती है टी शर्ट को फोल्ड करना या फिर किसी भी कपड़े को फोल्ड करना, लेकिन जब इसकी अच्छी सी टेक्निक आपको पता लग जाती है ना, तो आप ढेर सारे कपड़े हों आप मिनटों में आप फोल्ड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं टी शर्ट को पहले नीचे से फोल्ड की, उल्टे की तरफ, और उसके बाद से इसको हमने दोनों तरफ से फोल्ड किया, फिर इसको रोल रोल करके, और जो हमने फोल्ड किया हुआ भाग है ना उसको पलट लेना है, तो वो एक तरह से सिलेंडर शेप में आ जाएगा। ये सबसे अच्छा टेक्निक पता है कब है? जब आप कभी बाहर जा रहे हो या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, तो आपकी ढेर सारी टी शर्ट ना छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाएगी और आपका जो काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा और इसको ज़रूर सीखिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को सीखना ज़रूरी है, इसको बॉयज़ भी सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल के बॉयज़ गर्ल्स सब लोग हॉस्टल में या तो पीजी वगैरह में रहते हैं। तो इस तरह से छोटी बड़ी चीज़ें अगर पता रहती हैं ना, तो मतलब जो अपना लाइफ होता है ना बहुत आसान हो जाता है, और किसी पे हम डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये जो टिप है इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, और जो बिगनर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। आई होप आपको टिप अच्छी लगी होगी। तो आइए देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ना इस तरह के सिंक को लेकर के, कि हमारे जो किचन का सबसे मेन पार्ट का है ना, तो वो होता है सिंक, क्योंकि सिंक से बहुत सारे कॉकरोचेज और बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं हमारे घर में, और ये हमें बीमारियों से ग्रसित करते हैं और हमें ये बीमार करते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने सिंक की सफाई रखिएगा, और सिंक को जब भी आप बर्तन धोते हैं अच्छे से वॉश करके, और फिर अच्छे से इसको पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद क्या करेंगे कि आप कोई सा भी टेलकम पाउडर ले सकते हैं जो खुशबू वाला हो। हमारे पास ये डर्मिकुल का खुशबू वाला पाउडर है, तो मैं इसमें छिड़क रही हूँ। अच्छा, इसको छिड़कने का मैं रीज़न बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि सिंक से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो देख लीजिए, अब हमने इसमें पाउडर के बाद इसमें डाल दिया है आधा चम्मच के आसपास हल्दी, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटी बैक्टीरियल होती है, जिससे कि कीड़े मकौड़े और इंसेक्ट्स ना काफ़ी दूर भागते हैं। तो इस तरह से आप क्या करिए, हाँ तो मैं बता रही थी आपको कि इससे स्मेल नहीं आएगी, इससे साथ के साथ कीड़े मकौड़े कॉकरोच आपके घर में बिल्कुल एंटर नहीं होंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।